हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल। आज वीडियो रे आमे सिटी पाई आमर जो सिलेबस थिला सेथिरे सोशल स्टडीज रे कौन थिला आमर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड थिला। तो आज ए वीडियो रे आमे अर्थ रा स्ट्रक्चर केमितिका लैटिट्यूड कौन लॉन्गिट्यूड कौन से विषय रे पढ़िबा। तो अर्थ रा स्ट्रक्चर केमितिका, अर्थ होची कौन आमे जो प्लानेट रे रहुचे ता ना होची अर्थ। आमर केतरा प्लानेट अछि, 8टा प्लानेट अछि। तो 8टा प्लानेट रु आम अर्थ रे रोचे जार सेप हूँ केमिका स्फीयर बा जिओइड सेप। तो अर्थ रा स्ट्रक्चर हूँ जिओइड सेप। इट इज स्लाइटली फ्लाटेन आट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड ब्लॉक इन द मिडिल। तो अर्थ रा जो स्ट्रक्चर अच्छे से फ्लाटेन होती कौटी नॉर्थ आउ साउथ साउथ पोल पाखे कौन फ्लाटेन हो ता सहित ब्लॉक है माने मिडिल पार्टा हो तरह बड़ आउ नॉर्थ आउ साउथ पार्टा हो पतला धीरे धीरे कमी कमी आ साइज। तो यहाँ हूँ आम अर्थ सेप जहाँ को कहते जिओइड सेप। अर्थ स्ट्रक्चर हूँ जिओइड सेप। ता सहित यार इट इज स्लाइटली फ्लाटेन्ड आट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड ब्लॉक इन द मिडिल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक आट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो आम यार्थ को जानवाक आमको कौन देखा पड़ो? यार्थ तो बहुत बड़ जहाँ को आम देखिपरबानी। तो यार्थ रेप आमको जानवाक आम स्कूल बा आम पाखे जो ग्लोब थी तो ग्लोब को ग्लोबटा एक्चुअली देखा जमीका यार्थ रेप सेमतीका। कारण यार्थ जो ग्लोबटा हूँ कौन ग्लोब इज ए ट्रु मडेल अफ द यार्थ। यार्थ मिनिएचर फॉर्म बा यार्थ रो ट्रू मॉडल होची ग्लोब जोड़ा कि छोट फॉर्म रे आसी। यार्थ होची बहुत बड़ तो आम देखिपरबानी। तो से कौन साइंटिस्ट माने ग्लोब यार्थ को देखिकी ग्लोब बनई जोटा होची मॉडल ऑफ द यार्थ मिनिएचर फॉर्म रे छोट फॉर्म रे। तो यहाँ हूँ आम फास्ट जानले कौन यार्थ रो सेप जोटा होची जिओइड सेप। देन यार्थ होची बहुत बड़ जहाँपाई आम कौन कर कौन से स्पेस रो लोकेशन आम पॉइंट आउट कर पारिबानी। तो से वैज्ञानिक माने बा साइंटिस्ट माने कौन करिसेंती अर्थ मझीरे गोटे बनईंती गोटे इमेजिनरी लाइन जहाँ चारिपटे आम जानचे रोटेशन होमें दीटा जानचे अर्थ रो दी प्रकार मोमेंट जोड़ा हूँ रोटेशन आउ गोटे हूँ रिवल्यूशन। रोटेशन कौन अर्थ निज चारिपटे निज आक्सीस चारिपटे घूरवा को कौन कहुए रोटेशन कहुए आउ अर्थ सन चारिपटे रिभल्व करने को रिवल्यूशन कहुए। रोटेशन आम कौन हुए डे नाइट हूँ रोटेशन अर्थ को केते टाइम लगी थाए 24 आवर और रिवल्यूशन अर्थ को 365 डेज लगी थाए। तो रोटेशन हूँ अर्थ निज चारिपटे घूर बा निज आक्सीस चारिपटे घूर आउ रिवल्यूशन मीनिंग हूँ कौन जोटा कि सन चारिपटे मुवमेंट कर जहाँपाई अर्थ को 365 डेज लगी थाए। तो ये जो आक्सीस अच्छी अर्थ मझीरे जो लाइनटा अच्छी इमाजिनरी लाइनटा अच्छी ताको कौन कहती आक्सीस कहती। तो यहाँ एक्चुअली इमाजिन इमाजिनरी लाइन जोड़ा कि एक्चुअली ना ही अर्थ रे किंतु साइंटिस्ट मैंने दर्शाई जो यहाँ कौन आक्सीस अर्थ आक्सीस जहाँ चारिपटे अर्थ रिवॉल्व करुची सॉरी रोटेशन करुची रोटेट करुची से रोटेशन अर्थ रोटेशन आमर डे नाइट हो 12 आवर नाइट 12 आवर डे। तो आक्सीस हूँ गोटे इमेजिनरी लाइन जोड़ा कौन अर्थ मझे रही जहाँ चारिपटे अर्थ घूरुची। देन आसला इक्वेटर। तो आम फास्ट जानवा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ कौन आम रहा अर्थ जो उपरी भाग जो पॉइंट अच्छे यहाँ हूँ नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शन आम फास्ट जानदे यहाँ हूँ नॉर्थ यहाँ साउथ देन यहाँ हूँ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ रे नॉर्थ साइड रे नॉर्थ पोल साउथ साइड रे साउथ पोल। ता सहित आमर कौन बहुत सारा लैटिट्यूड एक्चुअली लैटिट्यूडटा कौन होराइजेंटल लाइन अर्थ रे जो इमेजिनरी होराइजेंटल लाइन अच्छी आम कह पैरेलल लाइन अच्छी आम कह लैटिट्यूड। आउ लॉन्गिट्यूडटा कौन लॉन्गिट्यूड हूँ वर्टिकल लाइन। तो जिते सबू ग्लोब्रे जिते सबू वर्टिकल लाइन टणाही से सबू कौन कह लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन मीनिंग लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल लाइन और होराइजेंटल लाइन मीनिंग हूँ कौन लैटिट्यूड। पैरेलल लाइन और होराइजेंटल लाइन आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड।
ताले आमर केतेटा लाटीट्यूड अछि आ केतेटा लॉन्गिट्यूड अछि एटा मन रखिबा। तो लाटीट्यूड आमर अछि 181 लाटीट्यूड बा पैरेलल लाइन बा होराइजेंटल लाइन रो नंबर होछि 181 आ वर्टिकल लाइन बा लॉन्गिट्यूड रो नंबर होछि 360। लाटीट्यूड होछि आमर 181 आ लॉन्गिट्यूड होछि होराइजेंटल वर्टिकल लाइन होछि आमर 360 होराइजेंटल लाइन होछि 181। तो 181 हेला कोन लाटीट्यूड। तो लाटीट्यूडनल यदि क्वेश्चन आसला लाटीट्यूडनल लाइन केतेटा तो केते हिजबो 179 कारण नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल होछि गोटे पॉइंट जोटा कि लाइन नुही। तो लाटीट्यूड नंबर ऑफ लाटीट्यूड आसिले आंसर हबो 181 बट जदि आसिबो लाटीट्यूडनल लाइन केतेटा तो आंसर कोन होइजबो आंसर हे जो 179 जोथरे नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल जोटा काउंट हबनी। तो मेन आमर लाटीट्यूड कोटा जोटा मिडिल रे अछि आमे ताको कोन कहे इक्वेटर जोटा कि केते डिग्री रे अछि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लाटीट्यूडनल लाइन और 90 डिग्री पैरेलल लाइन और 90 डिग्री होराइजेंटल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर जोटा मिडिल रे अछि ग्लोब को दुटा स्फीयर रे हेमिस्फीयर रे डिवाइड करुछि। तो यार्थर शेप आमर केमितिका स्फीयर टाइप रो। तो जो मिडिल रे जो लाटीट्यूडनल लाइन अछि जोटा कि यार्थ को दुटा हेमिस्फीयर डिवाइड करुछि यार्थ साधारणतः कौन स्पीयर शेप रो। तो मिडिल रे जो लाइन अछि जहाँ को आम कौन कहे इक्वेटर कहचे। तो इक्वेटर यार्थ को दुटा हेमिस्फीयर डिवाइड कर गोटे हूँ कौन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एटा हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर एटा हूँ साउदर्न हेमिस्फीयर जहाँ को किए डिवाइड कर यार्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ साउदर्न हेमिस्फीयर रे इक्वेटर जोटा मिडिल रे अच्छी सरी यहाँ हूँ 0 डिग्री रे इक्वेटर साधारणतः 0 डिग्री होराइजेंटल लाइन और 0 डिग्री लाटीट्यूडनल लाइन 90 डिग्री रे किए अच्छी नॉर्थ पोल आ 90 डिग्री नॉर्थ रे अच्छी नॉर्थ पोल 90 डिग्री साउथ रे अच्छी साउथ पोल एटा जो 90 डिग्री मिडिल रे कहते से मिस्टेक रे। तो 90 डिग्री नॉर्थ हूँ कौन आमर 90 डिग्री नॉर्थ जहाँ को आम कह नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ हूँ 90 डिग्री साउथ रे जो होराइजेंटल लाइन बा जो होराइजेंटल पॉइंट अच्छी तो जो लाटीट्यूड अच्छी आम कौन कह साउथ पोल आ मिडिल रे जो 0 डिग्री रे जो इक्वेटर बा जहाँ को आम इक्वेटर ही कहे। तो 0 डिग्री होराइजेंटल लाइन और 0 डिग्री पैरेलल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर जोटा कि आम यार्थ गोटे स्फीयर शेप रहा दुटा हेमिस्फीयर रे डिवाइड करोटा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एटा हूँ एनएच एटा हूँ एसएच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ताले आम जान ली लाटीट्यूड कौन लाटीट्यूड हूँ आमर होराइजेंटल लाइन। तो आम मेन मेन लाटीट्यूड सब देखा देन तापर लाटीट्यूड पर लॉन्गिट्यूड पढ़ा। तो आम जान ली कौन एटा इक्वेटर जोटा मिडिल रे अच्छी 0 डिग्री तो यहाँ आमर आसीगला 0 डिग्री लाटीट्यूडनल लाइन और 0 डिग्री होराइजेंटल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर देन तापर आसुची 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ रे जो लाटीट्यूडनल लाइन अच्छी आम कौन कहू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन 66.5 डिग्री नॉर्थ रे जो होराइजेंटल लाइन बा जो लाटीट्यूड अच्छी तार नाँ हूँ आर्कटिक सर्कल देन 90 डिग्री नॉर्थ रे जो लाटीट्यूड अच्छी आम कहू नॉर्थ पोल। तो मेन आमर केतेटा लाटीट्यूड अच्छी मेन हूँ इम्पोर्टेंट लाटीट्यूड हूँ 5टा। तो कौन कौन फास्ट हूँ इक्वेटर देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन आर्कटिक सर्कल देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देन अंटार्कटिक सर्कल देन आसला आउ गोटे हूँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 5 + 2 = 7। तो 5टा हूँ लाटीट्यूडनल लाइन आउ नॉर्थ पोल साउथ पोल को जब आड करवा तो सहीटा हो लाटीट्यूड कारण ये आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देन अंटार्कटिक सर्कल ये सब हूँ 5टा लाटीट्यूडनल लाइन किंतु नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल हूँ कौन जोड़ा हूँ लाटीट्यूड ताको लाटीट्यूडनल लाइन कहीपरबानी कारण सेटा पॉइंट। तो आमर मोट केतेटा 7 लाटीट्यूड अच्छी इम्पोर्टेंट लाटीट्यूड आमर केतेटा 7टा बट इम्पोर्टेंट लाटीट्यूडनल लाइन केतेटा 5टा। तो कौन कौन सा 7 लाटीट्यूड फास्ट है इक्वेटर जोटा कि 0 डिग्री अच्छी देन आसला 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाटीट्यूड अच्छी ना कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन 66.5 डिग्री नॉर्थ रे जो लाटीट्यूड अच्छी ना हूँ आर्कटिक सर्कल देन 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ रे जो लाटीट्यूडा अच्छी ना हूँ नॉर्थ पोल देन साउथ साउथ पार्ट को आसिले सदर्न हेमिस्फीयर रे को लाटीट्यूड अच्छी इम्पोर्टेंट। तो कौन आसिबो
23 हाफ डिग्री साउथ रे जो लैटिट्यूड अच्छी तार ना होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देन 66 हाफ डिग्री साउथ रे जो लैटिट्यूड अच्छी तार ना होची अंटार्कटिक सर्कल। देन साउथ पोल जोड़ा होची 90 डिग्री रे रहिची बा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड साउथ पोल। तो सेभेन आमर लैटिट्यूड पळे आसला तो आमे जनले होराइजेंटल लाइन ग्लोब रे जो सब होराइजेंटल लाइन अच्छी बा पैरेलल लाइन अच्छी ताको आमे जनले लैटिट्यूड बोली। सेभेन आमे लैटिट्यूड पढ़िले इम्पोर्टेंट सेभेन लैटिट्यूड 5 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन बा सेभेन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जरा ना हो इक्वेटर फास्ट आसो इक्वेटर जोटा हो 0 डिग्री अच्छी। देन आस 23 डिग्री 23 हाफ डिग्री नॉर्थ रे जो लैटिट्यूड अच्छी ता ना होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेमती 23 हाफ डिग्री साउथ रे जो लैटिट्यूड अच्छी ता ना होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सेमती 66 हाफ डिग्री नॉर्थ रे जो लैटिट्यूड अच्छी ता ना होची आर्कटिक सर्कल। सेमती ता अपोजिट रे साउदर्न हेमिस्फीयर रे जो 66 हाफ डिग्री साउथ रे जो लैटिट्यूड अच्छी ता ना होची अंटार्कटिक सर्कल। देन 90 डिग्री नॉर्थ रे जो लैटिट्यूड अच्छी ता ना होची नॉर्थ पोल। एंड 90 डिग्री साउथ रे जो लैटिट्यूड अच्छे ता ना होचे साउथ पोल। तो यहाँ हो गया आम 7 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। तो होराइजेंटल लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो यहाँ आम कम्प्लीट हो गला लैटिट्यूड कौन तो ये जो लैटिट्यूड पढ़िले 7 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड यही बेसीस आमर 3टा जोन अच्छी। तो जोन कौन आम ओडिया पढ़चे कौन ग्रीष्ममंडल देन हिममंडल देन नातिशीतोष्ण मंडल। तो ता मीनिंग कौन ग्रीष्ममंडल मान अधिक खरा हो देन आउ कौन पढ़ी नातिशीतोष्ण मंडल मान ना बेस गरम होना बेस शीत हो देन थर्ड रे पढ़ी फ्रिजिड जोड़ा हूँ हिममंडल जोटी अधिक थंडा लगुव। तो ये जो 7 आम इम्पोर्टाट लाटिट्यूड पढ़िले तो से बेसीस्रे सतटा लाटिट्यूड को लेकिन आमर 3टा जोन क्रिएट हो। तो सेटा को इंग्लिश रे कौन कहते आम जोटा ग्रीष्ममंडल ओडिया पढ़चे से इंग्लीश्रे कौन टॉरिड जोन। देन जोटा आम नातिशीतोष्ण मंडल पढ़चे तार इंग्लीश हूँ टेम्परेट जोन। देन हिममंडल जहाँ इंग्लीश हूँ कौन फ्रिजिड जोन। तो आम 3टा जोन आसीगला कौन टॉरिड जोन टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन ए 3टा हूँ 3टा जोन। तो ये देखा कौ जोन कौटी अच्छी तो आम जानी 0 डिग्री लैटिट्यूड को कौन कहते इक्वेटर कहते। तो 0 डिग्री रु 23 डिग्री हाफ 0 डिग्री रु 23 हाफ डिग्री नॉर्थ टू 23 हाफ डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड दुटा अच्छी ता मझे जो जोन अवस्थित ताकू कौन कहती से जोन ना हूँ टॉरिड जोन। तो आमर आसला इक्वेटर सहित इक्वेटर मिडिले रहा तो आम 23 हाफ डिग्री नॉर्थ टू 23 हाफ डिग्री साउथ जो इक्वेट जो आमर लैटिट्यूडनल लाइन अच्छी कौन से दुटा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड टॉरिड जोन जहाँ को ओडिया रे कहे ग्रीष्ममंडल। देन आसला तापर आमर सेकेंड जोन हूँ कौन टेम्परेट जोन। तो सेटा कहा को लैटिट्यूड भितर अवस्थित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू अंटार्कटिक सर्कल जोटा हूँ साउथ ए दुटा भितर जो एरिया रही आम कौन कहे सेटा हूँ टेम्परेट जोन। तो यही सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू अंटार्कटिक सर्कल द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। देन थर्ड जोन आसला फ्रिजिड जोन जोड़ा कि कहा भितर अवस्थित नॉर्थ हेमिस्फीयर रे आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड साउथ हेमिस्फीयर रे अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड द एरिया बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन जोड़ा हूँ हिममंडल जोटी की अधिक थंडा लगे। तो यहीटा आमर कौन गला 3टा जोन जोटा कि 7 लैटिट्यूड को लेकिन डिवाइड होती। तो फास्ट जोन आम पलैसला कौन टॉरिड जोन जोड़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो एरिया क्या क्या भितर रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भितर रही आम कहे टॉरिड जोन जोड़ा हूँ ग्रीष्ममंडल। देन आसला सेकेंड जोन हूँ टेम्परेट जोन जोड़ा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड सदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू अंटार्कटिक सर्कल इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। देन थर्ड आसला फ्रिजिड जोन जोड़ा कि
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल भितर एंड सदर्न हेमिस्फीयर रे अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल भितर अवस्थित। तो यहाँ आम पड़ेगा आम सेभेन लाटिट्यूडनल लाइन पढ़िले बा सेभेन लाटिट्यूड पढ़िले सहित तीन टा इम्पोर्टेंट जोन भी पढ़िले तो यह सब विषय पढ़ी देन आसला आमर कौन लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या कहते लॉन्गिट्यूड हूँ आमर जो वर्टिकल लाइन तो होराइजेंटल लाइन इज कॉल्ड लाटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड अमाउंट कितना बा नंबर कितना आम पढ़े 360। तो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन जोटा कि कौटा यहाँ जोटा ग्रीनविच इंग्लैंड ग्रीनविच सहर दे जाए जीएमटी बात को कौन कहते प्राइम मेरिडियन जोटा इंग्लैंड ग्रीनविच सहर दे जाए। तो जो प्राइम मेरिडियन ईस्ट रे जदि आम जा 180 पाइबा देन जीरो डिग्री वेस्ट आड को जदि जा पुणी 180 कौन पाइबा लॉन्गिट्यूड पाइबा। तो मोड केते होचो हमरा 180 डिग्री सॉरी वन मोड होचे 360 लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड हमको कौन पे हेल्प करे लॉन्गिट्यूड साधारण हमको टाइम जानिया पे जोड़ा कि हमर सबु कंट्री रा डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन अच्छी जमती कि हम इंडिया रा कोडी छी इंडिया रा लॉन्गिट्यूडटा कौटा को लॉन्गिट्यूड टाइम निर्धारित करे से कौन 82 हाफ डिग्री ईस्ट जोटा कि उत्तर प्रदेश दे पास कर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर दे पास कर आईएमटी। तो यहाँ आमर कौन आसला लॉन्गिट्यूड जानले लैटिट्यूड जानले देन आ विषय नेक्स्ट वीडियो रे आ विषय रे हमें कौन करिबा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एही वीडियो रे हमें थ्योरी डिस्कशन गले देन नेक्स्ट वीडियो को हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड अर्थ रा स्ट्रक्चर उपरे क्वेश्चन डिस्कशन करिबा।